बर्जर पेंट के नंबर्स भी आ चुके हैं और मैनेजमेंट के तौर पर कंपनी के एमडी एंड सीईओ अभिजीत रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर तो बिल्कुल फ्लैट ही मेरे को रुझान दिखा, लेकिन आपका रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट्स थोड़े रेंज में रहे हैं, मार्जिन्स में भी स्लाइटली थोड़ा सा हमको प्रेशर दिखा। सर, ये सब कुछ क्रूड को मैनेज करने में निकल गया कि पैट परसेंटेज में नहीं आ पाया, रेवेन्यू अच्छा बढ़ा, ये क्रूड की मैनेजमेंट में काम चीज़ें खराब हुई या फिर कुछ और था सर? नहीं, इसमें दो कारण है। एक तो ये लास्ट ईयर हमारी जो सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट्स थी उसमें एक वन ऑफ जो वैट सब्सिडी है हमको मिला था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से 18 करोड़ के करीबन, तो वो जो उसका इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर में हमको, चूंकि बेस वो बढ़ा हुआ था 18 करोड़ के हिसाब से, तो अगर उसको आप निकाल के देखें तो फिर थोड़ा से ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आएगा बेटर ग्रोथ रेट्स पे। सेकंड जो रीजन है, आपने जो कहा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़ रहे थे और वो अगस्त के महीने से गिरने लगे, तो हमें लगा कि मतलब उसको प्राइस इंक्रीज फिर लें, फिर नवंबर में जाके प्राइस डिक्रीज करें, तो मार्केट में ऐसे इंक्रीज डिक्रीज नो लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमने अपना प्राइस जो है उसको मेंटेन कर लिया था, इसलिए सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा हमको हिट हुआ, बट थर्ड क्वार्टर में जाके या फोर्थ क्वार्टर में जाके फिर वो वापस दोबारा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस कम हो चुका है तो ग्रॉस मार्जिन फिर से एक्सपैंड करके नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएंगे। राइट अभिजीत, थोड़ी बिगर पिक्चर शेयर करिए हमारे साथ। एक तो हो गया मार्जिन मैनेजमेंट, ये बात सबको मालूम है कि ये वाला जो क्वार्टर गॉन बाय है परहैप्स यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्जिन का चैलेंज नजर आया था, लेकिन सेकेंड हाफ में मार्जिन आउटलुक की आपने थोड़ी सी तस्वीर शेयर की, डिमांड की तस्वीर कैसी है? सो आपने देखा होगा पिछले तिमाही में भी हमने 11% वॉल्यूम ग्रोथ किया था एंड मार्केट शेयर एक्चुअली गेन हुआ उसमें। हमारी मार्केट फर्स्ट हाफ में हिसाब से देखें तो करीबन 0.8% की मार्केट शेयर गेन है जो लिस्टेड कंपनी स्पेस में उसमें देखा जाए तो। अभी भी जो चल रहा है, वैसे तो अक्टूबर में काफ़ी देर तक बारिश हुआ, करीबन 12-15 दिन, इससे थोड़ा से पोस्टपोनमेंट हो गया है डिमांड की। वो नवंबर और दिसंबर में हम ये आशा रखते हैं कि जो पेंट नहीं कर पाए जैसे एक्सटीरियर के, तो वो अभी आने वाला है। इट इज़ देयरफॉर टू अर्ली टू से, बट डिमांड अभी तक तो जो चल रहा है फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर हैज़ बीन गुड इन द अर्बन मार्केट्स। अर्बन के मार्केट्स में, जो शहरों के मार्केट में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। गाँव में थोड़ा से स्लो डाउन था, बट हमें उम्मीद ये है कि बारिश अच्छा हुआ है तो यहाँ पे भी जो है सेकेंड हाफ में अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। एक और चीज़ मिस्टर अभिजीत रॉय आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी खासा जोर दिया है, एक नई फैसिलिटी आपकी यूपी में आ रही है और लगभग 1000 करोड़ आप वहाँ खर्च कर रहे हैं, तो कैपेसिटी तो लगभग 33% एक प्रोजेक्टेड है कि यहाँ से इंक्रीज मिलेगी जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेशोज को इफेक्ट कर सकता है, कैसे देखें इसे? तो ऐसा है कि हमारी जो ये जो एक्सपेंशन हुआ है वो इसलिए हुआ कि हम जो जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे ऑलमोस्ट 80% इन अ नॉर्मल मंथ हमारी यूटिलाइजेशन रेशियो था, और कभी कभी सीजनल मंथ्स में तो वो 100% क्रॉस कर रहा था। हमें तो अपना एक्सपेंशन करने का था और वो एक स्टेप बाय स्टेप हो सकता था या एक बड़ा स्केल में इन्वेस्टमेंट करके उसको कर सकते थे। हमने डिसीजन लिया कि चूंकि मार्केट ग्रोथ हो रहा है अच्छा और लगातार अगर 10-15 साल की हमारी ग्रोथ रेट देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन इन द रेंज ऑफ 10-14%, तो अगर उस रेट पे हम ग्रो करते रहे तो हमें तो फिर बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी कैपेसिटी की, इसलिए हमने इस प्लांट को लगाया। हमारी उम्मीद ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ मार्जिनल इम्पैक्ट होगा शायद यू नो इन सम ऑफ द रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटसेट्रा, बट प्रॉफिटेबिलिटी विल इम्प्रूव। हमारी जो ये लोएस्ट कॉस्ट ऑपरेशन होगा इंडिया का, तो इसलिए काफी हद तक वो मेकअप हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन रेशियोज। शानदार बात बोली आपने, लोएस्ट कॉस्ट ऑपरेशन होंगे। अभिजीत सर, मुझे मार्केट शेयर के बारे में थोड़ा और बताएं, आपका मार्केट शेयर गेन कितना हुआ है, आप कहाँ खड़े हैं मार्केट शेयर में, और एक ये भी बात बताएं कि जो ओवरऑल सेक्टर है उसमें अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज का ब्रेकअप क्या हुआ है, क्या ये जो ट्रेंड है अनऑर्गेनाइज साइड से ऑर्गेनाइज की तरफ मूव करने का मार्केट शेयर क्या जारी है?
हमारी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 18% था, मतलब बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो मार्केट शेयर वो 18.8% पे अभी खड़ा है, यू नो ऑफ द लिस्टेड 5 कंपनीज विच आर देयर इन द मार्केट। तो इसके अलावा जो आपने पूछा कि क्या ये ट्रेंड जो है, आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था जो मुझे याद नहीं आया अभी, क्या बोल रहे आप? ऑल राइट क्या बात है, आपके चेहरे पे जो ये हिचकती हुई मुस्कुराहट है ये काफ़ी थोड़ा जाहिर कर रही है कि आपने क्या स्टेप्स लिए, खुशी आपकी जाहिर कर रही है, मार्केट शेयर गेन हुआ है और आगे आने वाले क्वार्टर्स में आउटलुक भी आप अच्छा दे के जा रहे हैं। अभिजीत बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अभिजीत रॉय बर्जर पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको पता है प्रियंका कि ये भी अब क्या है कि हम लोग ज़्यादा समय स्वदेश के साथ बिता रहे हैं तो हर चीज़ स्वदेश के स्पेक्ट्रम से नज़र आती है। ये अभिजीत जो है वो 28 साल से बर्जर में है और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव या काफ़ी मामूली पोस्ट से शुरू किया था और क्लाइम करते 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 प्रमोट होते होते आज काम के सीईओ जरिए पोजीशन पे। आज जो है एमडी है करेक्ट। और इतने पैशनेट हैं अपने काम के बारे में। कभी आप इनसे बैठ के इनसे बात करिए तो आपको पेंट सेक्टर का पूरा पीएचडी वो 2 ही घंटे में मिल जाएगा। और आप बता श्योर। रहे हैं कि मार्केट शेयर गेन भी कर रही है कंपनी, तो क्लियरली एक बैड फेज से बाहर आती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक डेज हाई पे है और आगे वाले वाले क्वार्टर्स के लिए भी आउटलुक तो अच्छा देखे गए हैं कि वर्स्ट ऑफ मार्जिन प्रेशर्स अब इनके पीछे हैं।